हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और शिवम और आप देख रहे हो अपना ही चैनल टेक्नोलॉजी टेक इन हिंदी चैनल। तो यार आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि आपके लगभग सभी लोगों के घर में होता है। आज यार मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बजाज के एक इंडक्शन चूल्हे की, वो है बजाज का ICX मैजेस्टी। तो दोस्तों यहां पर आज इसकी पूरी रिव्यू करेंगे, क्योंकि यार अगर आपने भी ये खरीद लिया है ये वाला चूल्हा तो यार आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी इसको यूज़ करने में, इसको कंट्रोल करने में। तो सारे बटन्स के जो कंट्रोल्स वगैरह हैं सब कुछ मैं बहुत अच्छे तरीके से सटीक बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इंडक्शन कुकर को आप किसी भी कारपेटेड सरफेस या फिर टेबल क्लॉथ पर न रखें दोस्तों, यहां पर क्योंकि यार नीचे फैन लगे हुए हैं जो कि इसको ठंडा करते रहते हैं समय समय पे, जब हीट हो जाता है ये ज्यादा। तो यार अगर आप इसको कपड़े से ढक के रखोगे या फिर नीचे कुछ लगा के रखोगे तो ऐसे में जो हवा है वो पास नहीं हो पाएगा और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा है। तो ऐसा कभी ना करें। सबसे पहले आपको बोर्ड में इसे प्लग कर लेना है। जैसे ही आप इसे बोर्ड में लगा दोगे आपको ये बीप साउंड सुनाई देगी। तो यार अब इसका यह मतलब है कि ये जो आपका इंडक्शन है वो बिल्कुल रेडी है, वो बिल्कुल तैयार है आपको यूज करने के लिए। दोस्तों चलिए यार कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता दूं जो कि इस चूल्हे के लिए बहुत जरूरी है, कि यानी कि जो आप बर्तन यूज कर रहे हो यानी इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो इस चूल्हे के लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको ऐसी बीप साउंड लगातार कंटिन्यूअसली आती रहेगी। तो यार इससे निपटने के लिए आपको इंडक्शन पे स्टील या फिर लोहे का बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके कंट्रोल्स पैनल के बारे में, कुछ सेटिंग्स के बारे में और जितने भी बटन्स दिए हुए हैं उनको मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो रेडी हो जाइए और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये है बजाज का इंडक्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे राइट साइड में ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा ऑन ऑफ का बटन। जी हाँ दोस्तों, ये पावर का बटन है। इसको प्रेस करने के बाद ये जो आपका इंडक्शन है वो रेडी हो जाएगा इस्तेमाल के लिए। तो अब चलते हैं हम सीधा बटन्स की तरफ यानी कि सारे कंट्रोल्स की तरफ। तो सबसे पहले यार हम देख लेंगे टाइमर बटन। इस बटन के फंक्शन से आप टाइम को सेट कर सकते हो, आप इसके प्लस या माइनस से टाइम को मैनुअली सेट कर सकते हो। टाइम सेट करके आप खाना पकाना शुरू करोगे वैसे ही आपका टाइमर डिस्प्ले उल्टी गिनती शुरू हो जाए। नंबर सेकंड पे आता है ट्रिम बटन। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से आप मैनुअली टेम्परेचर को सेट कर सकते हो प्लस और माइनस को लगातार दबा के। अब नंबर फोर पे आता है दोस्तों पावर बटन। इस बटन के हेल्प से आप किस डिश में कितनी बिजली खर्च हुई है ये भी आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, जो कि यार बहुत ही ज्यादा हाईली यूजफुल है आपके लिए। अब दोस्तों बात आती है अलग अलग डिशेस के लिए अलग अलग बटन दी गई हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं बारीकी से। तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल अब तक लगा तो लाइक तो कर दो यार। तो डिश के लिए नंबर वन जो बटन आती है वो है स्ट्रू बटन। जी हाँ दोस्तों, इस बटन के इस्तेमाल से आप सूप का स्टॉक बना सकते हो। इसका जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वो होगा 100°C प्लस, लेकिन दोस्तों आप इसको अपने अनुसार भी घटा बढ़ा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिल जाता है सूप बटन, तो इससे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके हेल्प से आप सूप बना सकते हो जिसका की जो बेहतर टेम्परेचर है दोस्तों 180°C। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डिग्री सेल्सियस क्यों बताता जा रहा है, तो यार डिग्री सेल्सियस यानी कि अगर आपको सूप बनाना है तो 180°C जो है वो आपके लिए बेटर होगा, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। और अपने आप इंग्रेडिएंट के हिसाब से, अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से भी इसे आप सेट कर सकते हो। अब दोस्तों जो अगला बटन आता है वो है प्रेस बटन। जी हाँ दोस्तों, इस बटन की मदद से आप ऐसे डिशेस को बना सकते हो जिन डिशेस को बनाने में लंबा समय लगता है और धीमी आंच की जरूरत होती है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में आपको मीट हो गया या फिर कोई ऐसा सूप जो कि लंबे समय तक आपको पकाना है, इसको आप 1 घंटे के समय के साथ 210°C पर सेट कर लो। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो है बॉयल बटन। यहाँ दोस्तों इसकी मदद से आप दूध, अंडे, आलू इस तरीके के जैसे उबालने वाली जो चीजें हैं उन्हें आप उबाल सकते हो। इस बटन की मदद से आप दोस्तों 1 घंटा 180°C पर आप इसको सेट करके दूध, आलू, अंडे आसानी से उबाल सकते हो। अब दोस्तों जो नेक्स्ट बटन आता है वो है डीप फ्राई बटन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है क्योंकि हमें पकौड़े बनाने होते हैं, चिप्स बनाने होते हैं, ऐसे डिशेज जो हमारे मुंह में पानी ला दे, तो उनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डीप फ्राई का इस्तेमाल करके आप पकौड़े, चिप्स जैसी चीजों को तल सकते हो। फ्राई बटन, अब आपको नेक्स्ट बटन मिल जाती है। तो फ्राई बटन दोस्तों, इस बटन की मदद से आप कटलेट जैसी, पनीर जैसी चीजें आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो यार। तो यार मुझे ये वीडियो बनाने में मुंह में पानी भी आ चुका है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट बटन है वो हॉट पॉट। तो अब इसके मदद से आप क्या बना सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं। तो हॉट पॉट की मदद से आप सब्जी, चावल जैसी चीजों को आप लंबे समय तक जो पकानी है वो आप धीमी आंच पर पका सकते हो। दोस्तों जितनी भी सारी मैंने बटन्स बताई डिशेस के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट बटन मैंने बता दी है,
लेकिन दोस्तों अब आप अपने हिसाब से टेम्परेचर, अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो यार बहुत ही क्लियरली मैंने सारे बटन, सारी चीजों को, मैंने फंक्शंस को डिटेल्स में कंपेयर कर दिया है। अब दोस्तों आपकी बारी है, आप बनाइए डिश, खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।